बोकारो के तुपका डी में उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने छापेमारी कर 10 लाख रुपए के नकली शराब और शराब बनाने की सामग्री जब्त की। ये फैक्ट्री सुरेंद्र अग्रवाल के घर में चलाई जा रही थी। छापेमारी के दौरान सुरेंद्र फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने वहां काम कर रहे दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अवैध फैक्ट्री से भारी मात्रा में स्प्रिट, नामी गिरामी ब्रांडों के शराब के रैपर, ढक्कन और बोतलें बरामद की गई। यहां बनी शराब को स्थानीय दुकानों के साथ बिहार में खपाया जाता था। उस वाहन को चेकिंग किया गया, चेकिंग के क्रम में 4,600 बरामद किया गया। उससे पूछने पर बताया कि तुपका जी 5-6 गैलन वहां पर ही हम दिए हैं। तो उसको पकड़ करके हम लोग उसके घर की ओर गए। उस वाहन को चेकिंग किया गया, चेकिंग के क्रम में 4,600 बरामद किया गया। उससे पूछने पर बताया कि तुपका डी 5-6 गैलन वहां पर ही हम दिए हैं। तो उसको पकड़ करके हम लोग उसके घर की ओर गए। उस वाहन को चेकिंग किया गया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।